अपने मन की बात कार्यक्रम के 78वें एपिसोड में मिल्खा सिंह को याद किया। उन्होंने टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए देश के खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिल्खा सिंह जैसे महान एथलीट को भुलाया नहीं जा सकता। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे आर्चरी प्रवीण जाधव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रवीण जाधव एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। प्रवीण जाधव के जीवन के संघर्षों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सतारा जिले के प्रवीण के माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। अब उनका बेटा पहला ओलंपिक खेलने जा रहा है। ये सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, हम सभी के लिए गौरव की बात है। आइए जानते हैं पीएम मोदी के मन की बात के आज के संस्करण की मुख्य बातें। जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटरमाइनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलता है, तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। टोक्यो जा रहे हमारे ओलंपिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। हमारे प्रवीण जाधव जी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितने कठिन संघर्षों से गुजरते हुए प्रवीण जी यहाँ पहुँचते हैं। प्रवीण जाधव जी महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। वो आर्चरी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं और अब उनका बेटा अपना पहला ओलंपिक खेलने टोक्यो जा रहा है। ये सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, हम सभी के लिए कितने गौरव की बात है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।